हमारे चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भैया कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, देख के चले जाते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। आज का जो हमारा वीडियो वो बनेगा तो स्ट्रक्चर के ऊपर ही है, छोटी मूर्ति का स्ट्रक्चर, मतलब 3 फुट तक का मैं बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। और ऐसे ही मतलब वीडियो आपको और भी मिलती रहेगी, ठीक है। जितना हो सकता है मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो भैया इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको मतलब स्ट्रक्चर मतलब बना के रखा है कुछ, उसको दिखा देते हैं और आगे भी इसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर जो कि है ये सिरा वाली, इस पर बनेगी। तो ये हमारे पास मतलब वेस्ट पड़ा हुआ था, ये जो सिरा है ये वेस्ट पड़ा हुआ था। तो इसको मैं आपको मतलब दिखा देता हूँ। ये मतलब आप ख़राब चीज़ से भी बना सकते हो, जैसे घर में पटरा वटरा। तो मैंने देखिए इसको फिनिशिंग से मतलब कट कर लिया है। इसका मतलब इस पर हम चाटा भर के वो जो मिट्टी का बनता है उसको भर देंगे, तो मतलब कवर हो जाएगा। और इसमें स्ट्रक्चर का जो मेन काम है ये वाला, ठीक है। तो इसको हमने वो ड्रिल से छेदा है, तो देख सकते हैं 1 2 3 छेदा यहाँ पर कर लिया है। तो इसके ऊपर 3 बांस को हम लगा लेंगे, सुतली से कस देंगे। और ये पीछे का रहा हिस्सा, तो इसको हम मतलब इसको मैं बनाया हूँ डिज़ाइन के लिए, इस पर हम डिज़ाइनिंग का काम करेंगे। तो ये मान चलिए 2.5 से 3 फीट मूर्ति इस पर कम्प्लीट बन जाएगी। तो 2.5 से 3 फीट इस पर मतलब मूर्ति बन जाएगी बड़े आराम से। तो वही सब है। तो और जो मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ आपको, ये सब देखिए, ये सब बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये आपका 5 से 6 फीट मूर्ति के लिए, तो ये देखिए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, इसको मैंने इस पर बीच में पटरा भी जड़ दिया है। अभी इसका काम मतलब थोड़ा पीछे है और काम हो ही रहा है, अभी चल ही रहा है। तो एक स्ट्रक्चर ये हो गया। उसके बाद मूर्ति के आपको जैसे स्ट्रक्चर चाहिए हो, ठीक है, मतलब वीडियो के अनुसार आपको मतलब चाहिए हो, वीडियो के माध्यम से मतलब आपको जानकारी चाहिए हो कितने फिट में क्या कैसे लगेगा, तो हमसे कमेंट करिएगा, तो हम आपको बना के दिखा देंगे। तो ये तो हो गया छोटे मूर्ति का। इधर सब बड़े बड़े मूर्ति का है, ये सब देख सकते हैं, ये सब पड़ा हुआ है। और आगे ले चलते हैं, आपको देख सकते हैं ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 से 2.5 फीट मूर्ति के लिए, ठीक है, ये भी चल जाएगा। इसमें 3 छेदा करके सिंपल बनेगा एकदम। तो ये सब देखिए इतना सारा पड़ा हुआ है। तो बस काम भी स्टार्ट ही है। और ये रहा स्ट्रक्चर, ये हमारा देख सकते हो। ये इस पर हम मतलब 2.5 से 3 मतलब मोटा मोटी हम कंप्लीट मूर्ति 4 फुट तक इस पर बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, तो इस पर 3 छेदा करके हमने इस पर क्रॉस भी लगाया। तो ये स्ट्रक्चर ही मेन अहम रोल होता है। उसके बाद में मेन काम होता है पुआल का। तो पुआल का काम भी धीरे धीरे से होगा, हम आपको दिखा देंगे। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो कुछ था मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। और जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे आपको हम मतलब बताते जाएंगे कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं। स्ट्रक्चर के ऊपर मतलब एक स्ट्रक्चर में बना के आपको शुरू से लेकर अंत तक भी दिखाऊंगा। तो उसके लिए मतलब हमको किसी को पकड़ना पड़ेगा मतलब वीडियो बनाने के लिए, तो अकेले नहीं हो पाता। एक जन और साथ में रहेंगे तो हम वीडियो बना के आपको दिखा देंगे वो भी करके। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। तकलीफ जय हिंद।